ओडिशा के संभलपुर के निकट हीराकुंड झील में रविवार को पर्यटकों से भरी एक नाव के डूबने की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 24 हो गई, जबकि कई लोगों को लापता बताया जा रहा है। ओडिशा आपदा त्वरित कार्रवाई बल की टीम ने लापता लोगों को ढूंढने में लगी हुई है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक नाबालिग लड़की के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में गिरफ्तार किए गए आसाराम की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी। न्यायाधीश ने दलीलें समाप्त होने के बाद 3 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आसाराम को पिछले साल अगस्त में गिरफ्तार किया गया था और जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद है। गोवा की एक अदालत ने तहलका के पूर्व प्रधान संपादक तरुण तेजपाल की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ा दी है। देश के जाने माने पत्रकार तेजपाल ने जमानत के लिए मुंबई हाई कोर्ट में पहले ही अपील कर रखी है। उन्हें पिछले साल नवंबर में गोवा में आयोजित एक सम्मेलन के दौरान कथित रूप से अपने जूनियर सहयोगी के यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। तब से तेजपाल पुलिस हिरासत और न्यायिक हिरासत में 2 महीने बिता चुके हैं। आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री आनम राम नारायण ने सोमवार को विधानसभा में लेखानुदान पेश किया। इससे पहले लेखानुदान पर चर्चा के लिए सुबह राज्य कैबिनेट की एक बैठक हुई। तेलंगाना के मंत्रियों ने कैबिनेट का बहिष्कार किया। हालांकि मुख्यमंत्री एन किरण कुमार रेड्डी के तेलंगाना विरोधी रुख के विरोध में विधानसभा में भारी शोर शराबा हुआ, जिसके चलते विधानसभा की कार्यवाही को बुधवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। आंध्र प्रदेश में बजट के लिए सोमवार से 4 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अधीर रंजन चौधरी को पश्चिम बंगाल, अशोक तंवर को हरियाणा और वीएम सुधीरन को केरल का राज्य कांग्रेस अध्यक्ष के नाम पर मंजूरी दे दी है। इन नामों के बारे में कुछ वक्त पहले ही पार्टी ने फैसला किया था। जम्मू कश्मीर विधानसभा के अध्यक्ष मुबारक गुल ने सोमवार को यौन उत्पीड़न के आरोप में फंसे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री शबीर खान को गिरफ्तार करने की पुलिस को मंजूरी दे दी है। जम्मू कश्मीर विधानसभा के अध्यक्ष मुबारक गुल ने सोमवार को यौन उत्पीड़न के आरोप में फंसे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री शबीर खान को गिरफ्तार करने की पुलिस को मंजूरी दे दी है और कहा है कि पुलिस कानून के अनुरूप कार्रवाई करे। इस बीच शबीर खान ने जमानत के लिए जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। भारतीय तटरक्षक अधिकारियों ने भारतीय समुद्री सीमा में मछली पकड़ने के आरोप में आज श्रीलंका के 25 मछुआरों को गिरफ्तार किया है। इन मछुआरों की 5 नौकाएं भी जब्त की गई हैं। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार में गिरावट का रुख रहा। सेंसेक्स 42 अंकों की गिरावट के साथ 20,334 के स्तर पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी 10 अंकों की कमजोरी के साथ 6,053.5 के स्तर पर बंद हुआ है। दिन भर के कारोबार में मेटल, बैंक और आईटी शेयरों ने दबाव बनाने का काम किया, जबकि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, रियल्टी और कैपिटल गुड्स शेयर बाजार को संभालने की कोशिश करते रहे। सरकार ने यूपीएससी परीक्षा में प्रत्येक वर्ग के लिए 2 मौके और बढ़ाने का फैसला किया है। हालांकि उम्र की अधिकतम सीमा में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। ये फैसला 2014 की परीक्षाओं से लागू होंगी।